हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने ग्रोथ जो है वो स्टेटिस्टिक्स का इंडिया में किस तरह से ग्रोथ हुआ था वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा किसे कहते हैं वो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। इन स्टेटिस्टिक्स अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर द स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो भी हम ग्रुप की जो भी हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आपको पॉपुलेशन का एक पिक्चर दिया हुआ है, मतलब कि ये जो मेडिसिन है हम उसके बारे में स्टडी करें तो सारी मेडिसिन हमारे लिए क्या हो गई, एक पॉपुलेशन हो गए। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, अ ग्रुप ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बिकम्स पॉपुलेशन फॉर द स्टडी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई वर्कर्स की लिविंग स्टाइल के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हम सारे ग्रुप ऑफ वर्कर्स का, मतलब कि सब वर्कर्स की जो भी हम स्टडी करेंगे कि उनकी सारी डिटेल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगी, पॉपुलेशन। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कि जो भी हमें हमारी जो स्टडी करनी है पॉपुलेशन में जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो हमारे लिए क्या है, हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन। कि सपोज 1000 मेडिसिन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो 1000 हमारे लिए क्या हो गई, नंबर ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज फिनिट से कैपिटल एन, वी कॉल इट फिनिट पॉपुलेशन। कि अगर जो है कि हमें पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन के नंबर्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, मतलब कि कैपिटल एन जो कहते हैं हम वो, तो देन इट विल बी सेड अ फिनिट पॉपुलेशन। की जैसा मैंने अभी आपको 1000 मेडिसिन का एग्जांपल दिया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, फिनिट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल 700 वर्कर्स वर्क इन द फैक्ट्री, देन द पॉपुलेशन कैपिटल एन इज इक्वल टू 700 एंड वी शेल कॉल सच अ पॉपुलेशन इज फिनिट पॉपुलेशन। कि यहाँ पे अगर हम 700 वर्कर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एन क्या हुआ, हमारा 700, एंड उसे हम क्या कह सकते हैं, फिनिट पॉपुलेशन भी हम कह सकते हैं। अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनेट क्राइटेरियन इज कॉल्ड अ सैम्पल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सेट या एक ग्रुप को हम सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, कोई भी भेदभाव के बिना, क्रिटिसिशन के बिना हम जो भी सिलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ सैम्पल। अब सपोज ये हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन और यहाँ पे हमने उसमें से कुछ रैंडमली हमने कुछ यूनिट्स सेलेक्ट किया तो दैट इज कॉल्ड अ सैम्पल। एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैम्पल इज टर्म एज अ सैम्पल साइज स्मॉल एन। अब यहाँ पे जो हम यूनिट सिलेक्ट कर रहे हैं उसे हम किस तरह से डिनोटेट करते हैं, सिंपल एन में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सिलेक्ट 150 वर्कर्स फ्रॉम द अबव पॉपुलेशन ऑफ वर्कर बाय एनी स्टेटिस्टिकल मेथड देन द ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड वर्कर इज कॉल्ड सैम्पल एंड सैम्पल साइज स्मॉल एन इज इक्वल टू 150। की सपोज 700 वर्कर्स में से हमने 150 वर्कर्स को हमने सिलेक्ट किया है कोई भी भेदभाव के बिना तो वो हमारे लिए जो है वो साइज, जो नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे लिए कितने हुए, स्मॉल एन कितने हुए हमारे लिए 150। अ यूनिट सिलेक्टेड इन द सैम्पल इज कॉल्ड सैम्पल यूनिट्स। द सिलेक्टेड वर्कर्स हैव हियर आर कंसिडर्ड एज सैम्पल यूनिट्स। के हम जो भी यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं कि जो भी यूनिट्स को हम सिलेक्ट करें वो हमारे लिए क्या है, सैम्पल यूनिट है। अब यहाँ पे हम वर्कर्स को सिलेक्ट करें तो उसमें वर्कर हमारे लिए क्या हुआ है, सैम्पल यूनिट है। इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन और द ऑफ द सैम्पल इज डन फॉर द स्टेटिस्टिकल स्टडी एंड प्रॉब्लम कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कि यहाँ पे स्टडीज किया जाता है, इंस्पेक्शंस किया जाता है अलग अलग। अगर हमने पॉपुलेशन में से हम स्टडी करें तो उसमें से हम इंस्पेक्शन करते हैं, सैंपल हमने सिलेक्ट किया उसमें से हम स्टडीज करते हैं, स्टेटिस्टिकल स्टडी करते हैं, देन आफ्टर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि उसे हम सॉल्व करते हैं। द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेनिंग बाय सच अ इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा। अब हमें यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर से हमें ये जो हम इंस्पेक्शन करें कि ये जो हम स्टडी करें उसके ऊपर से हमें जो भी डेटा मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि जो भी ऑब्जर्वेशन मिलते हैं दैट इज कॉल्ड अ डेटा, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा। द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन एंड द सैम्पल्स पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज पॉसिबल दैट द मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेरीज फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट इज कॉल्ड वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कैन बी आइदर नंबरिकल और नॉन न्यूमरिकल। अब यहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन या सैंपल के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उन्हें मेजरमेंट करना तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें मेजर
करना पड़ता है। और इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। सपोज आपको यहाँ पे वर्कर्स के बारे में दिया हुआ है, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हम कैलकुलेट करें तो सब वर्कर की लाइफस्टाइल सेम नहीं होती, कि सब वर्कर्स जो हैं एक जितना खर्चा नहीं करते, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, मतलब कि उनके बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। इफ़ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमरिकल देन इट इज़ कॉल्ड अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। कि अगर हम जो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नंबरिकल नहीं है, मतलब कि क्वालिटी के ऊपर बेस्ड, दैट इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। वी शैल कॉल सच अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एट्रीब्यूट। कि अब यहाँ पे लोगों का एटीट्यूड या उनकी चॉइस है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारे लिए क्वालिटेटिव डेटा हो जाते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। अब यहाँ पे जो भी हम डेटा इस तरह से एट्रीब्यूट्स के ऊपर से कलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए क्या है, क्वालिटेटिव डेटा। इन शॉर्ट कि अगर लोगों की, मतलब कि अगर पर्सन्स की क्वालिटी के ऊपर, कि अगर हम नंबरिकल नहीं बट उनकी जो नॉन नंबरिकल की जो क्वालिटीज़ के ऊपर से अगर हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ क्वालिटेटिव डेटा। एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो, दैट इज़ कॉल्ड अ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। इफ़ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन न्यूमरिकल देन इट इज़ कॉल्ड अ न्यूमरिकल वेरिएबल। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द बेस ऑन द न्यूमरिकल वेरिएबल इज क्वान्टिटेटिव डेटा। कि अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नंबरिकल है, न्यूमरिकल है, मतलब कि नंबर्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजिट्स में अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड अ न्यूमरिकल वेरिएबल्स। और उसके ऊपर से जो भी ऑब्जर्वेशन हमें मिलते हैं, कि जो भी डेटा ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ क्वान्टिटेटिव डेटा। In the above observations, the data-related attributes like gender of worker, their education level is called qualitative data. कि जैसा मैंने अभी आपको बोला कि worker का gender है, उसका education level है, या वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए क्या है, qualitative data. And the data-related to variables like monthly income of workers, their age is called a quantitative data. कि अगर जो हमें digits बताए कि monthly income कितनी है, उसकी age कितनी है, वो that is called a quantitative data. Thus, we shall say that the qualitative characteristics simplify can be observed, but cannot be measured on scales. कि हम qualitative data को हम क्या कर सकते हैं, observe कर सकते हैं, but उसे scales में measure नहीं कर सकते. While the quantitative characteristics can be measured on scales. कि यहाँ पे quantitative अगर data है तो उसे हम easily scales के ऊपर हम measure कर सकते हैं. For example, income in rupees, एज इन ईयर एक्सेट्रा. अब इनकम है तो उसे हम रुपीज़ में, हम स्केल्स में बता सकते हैं, एज से उसे हम ईयर्स में बता सकते हैं, बट उनकी जो एजुकेशन लेवल है, उनका जेंडर क्या है, उसे तो हम ग्राफ पे नहीं बता सकते हैं, उसे हम स्केल्स में मेजर नहीं कर सकते. अदर एग्जाम्पल कुड बी द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिलीजन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, एजुकेशन लेवल आर द क्वालिटेटिव डेटा. अब यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा का अगर अनदर एग्जाम्पल्स हम देखें तो रिलीजन है, फिर वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, एजुकेशन लेवल कितना, ये सारी डिटेल्स हैं वो हमें देखें क्वालिटेटिव डेटा. वेयर इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रॉफिट ऑफ कंपनी, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा. कि यहाँ पे कोई भी कंपनी का प्रॉफिट कितना हो, उसका कॉस्ट कितना है, कोई भी यूनिट कॉस्ट कर रहा है तो वो कितना हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट का कितना कॉस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें लेकर जो भी हम डेटा होता है वो हमारे लिए क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा. सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा किसे कहते हैं. वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में सीखेंगे. थैंक यू.